हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एट द सेम टाइम, नॉट सेम टाइम, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एडवांटेजेस, देन वी विल डू डिसएडवांटेजेस, राइट? सो बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे पास यू नो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। एक आपको जो है मुझे व्हाट्सएप पे यू नो एक तरीके से हाई लिख करके भेजना है, और मुझे मुझे एक तरीके से बोलना है कि मैं आप क्लासेस करना चाहते हैं। मैं वहां पे आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। हालांकि उसकी एक छोटी सी नॉमिनल से फी होगी क्लासेस करने की। मैं लिंक शेयर कर दूंगा जूम क्लासेस का, आपको बस हमें वहां पे ज्वाइन कर लेना है और क्लासेस को करना है, ठीक है? उससे उसके अलावा मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल को प्लीज एक तरीके से सब्सक्राइब कर लें। चाहें क्या यार, सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे चाहने वाली कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब कर लो और ये जो बेल आइकन ऐसे दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलता चलूं कि अगर आप हमारे पास से यू नो हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस नहीं करनी होती, आपको बस नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स आपको मिल जाते हैं ताकि आप सही टाइम पे फिलअप कर लो। साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूशन बट नॉट अ ट्यूशन, ठीक है ना? तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपल सा करना क्या है, ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे बीकॉम में आना है और 119 रुपीज का फी पेमेंट करके आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जिसको क्लिक करके आप हमें यू नो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप को। इसमें बेनिफिट्स मैंने आपको बताई, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको लो कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है? तो इसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी करें तो प्लीज हमारे चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं और इग्नो बीकॉम न्यू नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें और फिर इस तरीके से आपको एक विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको आपके बीकॉम न्यू के जितने भी कोर्सेज हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सबके सब आपको जो स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, राइट? चलते हैं फिर आज के टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका कलर में चेंज कर लेता हूं मैं, ये स्काई अच्छा लगेगा। चलिए फिर देखते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है परमानेंट रिकॉर्ड, है ना? फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो उसका रिकॉर्ड जो है वो परमानेंटली आपके पास रहता है। इन फ्यूचर में एविडेंस के तौर पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो सबसे बड़ा फायदा ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी एक तरीके का होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किया जा सकता है बट फिर से वापस से आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होगा, है ना? कोई और आकर के बाहर से यू नो एक तरीके से इस कम्युनिकेशन को चेंज नहीं कर सकता है। सो अ कॉपी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द रिकॉर्ड एंड कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस और एविडेंस, है ना? तो एक कॉपी जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमेशा मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड्स में, उनको रखा जाता है ताकि बाद में कभी भी अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो एज अ रेफरेंस या फिर एविडेंस जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अ कंपनी क्लिंचेस अ डील ऑन अ सर्टेन प्राइस एंड डिलीवरीज द कंसाइनमेंट। सपोज एक कोई कंपनी है जो कि एक डील एक तरीके से क्लिंच करती है और एक सर्टेन प्राइस पे जो है उस सामान को जो कंसाइनमेंट है उसको वो डिलीवर करती है। बट आफ्टर रिसीविंग द आइटम, लेकिन जब आइटम को रिसीव कर लेता है दूसरा बंदा, रिसीवर रिफ्यूजेस टू पे द सेटल्ड प्राइस। रिफ्यूजर जो है एक तरीके से मना करता है कि मैं आपको जो जो सेटल्ड प्राइस था हमारा उसको वो प्राइस मैं आपको पे नहीं करूंगा। तो सामने वाले बंदे के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, यही ना कि जो उसने जो रिकॉर्ड साइन करा था, जो जो डील साइन करा था, वो जाकर के उनको दिखाया कि देखो इतने इतने पैसे में हमारी बात हुई थी, राइट? सो इन दैट इवेंट द कंपनी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड यूज फॉर्मल कम्युनिकेशन एज अ लीगल प्रूफ। तो उस चीज में वो जो है जा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद वो अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो लेटर पैड है उसको वो शो कर सकता है ताकि उसको प्रूफ कर पाए कि इस पैसे में हमारी बात हुई थी और ये पैसे हमें देने वाला था पर ये पैसे अब नहीं दे रहा है, राइट? सो परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया गया। अब बात कर लेते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी के बारे में। सो इट इज यूज्ड बाय फॉलोइंग प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड फॉर्मेट, इट इंक्रीजेस द ओवरऑल एफिशिएंसी। अब चूंकि इसका इस्तेमाल जो है देखो एक तरीके से प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड फॉर्मेट में किया जाता है, तो ये एक तरीके से इंक्रीज करता है ओवरऑल एफिशिएंसी को भी, क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये जो है यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि उसके पास आया है, तो उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो अपनी यू नो काम को ठीक तरीके से करें, राइट? तो एक तरीके से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन,
है ना। सो इन द अबव एग्जांपल द बिल हैविंग द नेगोशिएटेड प्राइस वुड बी सेंट टू द रिसीवर। इस केस में जो बिल जो है वो जो नेगोशिएटेड प्राइस है वो भेजा जाता है रिसीवर को। नो अदर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड एंड दस टाइम विल बी सेव। अब यहाँ पे किसी और तरह की फॉर्मेलिटी को रिक्वायर करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण से टाइम बचता है, और जब टाइम बचेगा तो एफिशियंसी तो भाई बढ़ेगा ही, है ना। इंक्लूडेड्स डिसिप्लिन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के होने के कारण डिसिप्लिन भी आता है। आपको बता दिया जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना, तो आप जो चीजें आपको बताई जाती हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, आप चीजों को वैसे ही करने की कोशिश करते हो डिसिप्लिन वे में, है ना। और अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाए। इसलिए ये जो है बहुत ही एक तरीके से डिसिप्लिन को इंक्लूडेट करता है, बढ़ावा देता है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड्स डिसिप्लिन इन द वर्कर्स एज दे फॉलो फॉर्मल ऑर्डर केयरफुली, है ना, क्योंकि वो लोग जो है फॉर्मल ऑर्डर को बहुत ही केयरफुली फॉलो करते हैं। बिकॉज अदरवाइज इट मे इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन, या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाए, राइट। बेटर कोऑर्डिनेशन, चौथा नंबर पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेटली फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा तो सारे लोगों तक सेम बातें पहुंच पाएंगी, तो आपस में जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो भी और बेहतर हो पाएगा, राइट। सो फॉर्मल कोऑर्डिनेशन इंड्यूसेस कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टाफ एज दे हैव टू फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शन, है ना। तो उनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन होता है क्योंकि वहां पे जो है उन लोगों को जो फॉलो करना होता है वो है रिटन इंस्ट्रक्शन, जो कि उनको फॉलो करना होता है। तो सब चूंकि फॉलो करते हैं उस चीज को, तो कोऑर्डिनेशन भी ठीक तरीके से वहां पे बना हुआ रहता है, राइट। ईज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सो इफ दे नीड अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स थ्रू दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक तरीके से अथॉरिटी दी जा सकती है सबऑर्डिनेट्स को इस तरह की कम्युनिकेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव केस द मार्केटिंग मैनेजर वुड डेलीगेट हिज और हर अथॉरिटी टू द सेल्स पर्सन टू नेगोशिएट द प्राइस एंड क्लिंच द डील। यहाँ पे सपोज जो मार्केटिंग मैनेजर है वो किसी इवेंट को अटेंड नहीं कर पा रहा, जहाँ पे उसको साथ उसको एक्चुअली डील करनी थी किसी और कंपनी के साथ, तो वहां पे वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है किसी सेल्स पर्सन को, और उसको कहा जा सकता है कि तुम एक काम करो, तुम जाकर के प्राइसेस को नेगोशिएट करो और डील को हमारे लिए ले लो, क्लिंच कर लो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से अथॉरिटी जो है वो भी पास की जा सकती है अपने सबॉर्डिनेट्स को। फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि फॉर्मली आपको बता दिया गया है कि भाई ये करना है, तो वहाँ पे मिस्टेक की तो कोई बात ही नहीं होती है, राइट। सो एज फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज टू फॉलो वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर लेसर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द एम्प्लॉइज, है ना। अब चूंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरीके से वेल डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशंस के तहत बनाए जाते हैं और सब तक की बात पहुंचती है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की मिस्टेक्स होने की चांसेस जो है बहुत बहुत ही ज्यादा घट जाती है, राइट। एम्प्लॉइज भी एक तरीके से इस चीज को समझते हैं और गलतियां होने की चांसेस जो है वहां पे बहुत ज्यादा कम होती है। सो इन द अबव केस एज एवरी डॉक्यूमेंट वुड बी अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट देयर आर नो चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। तो इस केस में क्या होता है कि हर एक जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके कारण से इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन होने का चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा घट जाता है, कंफ्यूजन जो है इसमें नहीं होता, है ना। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, इसके भी 6 पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं चलिए फिर। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है बहुत ही स्लो आता है। सपोज आपने कुछ एप्लीकेशन करा कि सर मुझे ये चाहिए था, मुझे छुट्टी चाहिए, तो इसका जो रिप्लाई है वो आपके पास काफी टाइम बाद आएगा। मैं जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसका जो काम करने का तरीका है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो होता है। हालांकि टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्लो नहीं होता, उनको जब आवश्यकता पड़ती है वो तुरंत कर देते हैं, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में जो दूसरा पार्टी है जिसको कम्युनिकेट करना है सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट से, वो अगर करना चाहेगा तो उसको करने में काफी टाइम लग जाता है, है ना। सो एज अ ड्राफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू पास थ्रू मेनी ऑफिसर्स एंड गेट अप्रूव्ड बाय देम बिफोर इट इज सेंट, इट इज स्लो, है ना। तो यहाँ पे सपोज जो ड्राफ्ट है, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सपोज कोई ड्राफ्ट बनाया और उसको पास करवाया, तो एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास गया, दूसरे ऑफिसर से तीसरे ऑफिसर के पास गया, तीसरे ऑफिसर से चौथे ऑफिसर के पास गया, फिर जाकर के उसने जो है एम्प्लॉइज के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई इस चीज को फॉलो करना है, आप समझ रहे हो। तो चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स के थ्रू पास कर रहा है, तो इसमें जो है सबको अपना अप्रूवल देना पड़ता है, सबको अपना यू नो जो सील है वो लगाना पड़ता है, जिसके कारण से ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ये बहुत ही स्लो हो जाता है। जो काम करने का तरीका है फॉर्मल कम्युनिकेशन का वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अब चूंकि चीजें स्लो होंगी तो डेफिनेटली आपका जो टाइम है वो एक तरीके से वेस्ट होगा। सो ड्यू टू अ लेंथी प्रोसेस ऑफ अप्रूवल मच टाइम इज वेस्टेड, है ना। तो चूंकि यहाँ पे जो लेंथी जो प्रोसेस ऑफ अप्रूवल है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, खिंच जाता है, जिसके कारण से जो टाइम ऑफ वेस्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो टाइम जो वेस्टेज है टाइम का वो भी बढ़ जाता है। सप्रेसेस इंटीग्रिटी, ओके। सो एज इट हैज टू फॉलो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस द इंटीग्रिटी ऑफ
इम्प्लॉइज टू गिव सजेशन आउट ऑफ द बॉक्स इज सप्रेस्ड, है ना। अब यहाँ पे एक तरीके से सप्रेस कर देते हो आप इंजीनियरिटी को, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेगुलेशन आप बना रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन आप बना रहे हो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, वो कोई भी इम्प्लॉय उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी इम्प्लॉय उसको चेंज नहीं कर सकता, और उनकी जो भी डिमांड्स होती है, जो एक तरीके से नीड्स होती है, वो एक तरीके से सप्रेस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सप्रेसेस ऑफ यू नो इंजीनियरिटी के बारे में बोला गया है, इंजीन्यूटी, इंजीन्यूटी, ठीक है। इसको थोड़ा प्रोनाउंस करना अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहा था। तो उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो यू नो चीजें हैं, उनको एक तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है विथ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफ्लेक्सिबिलिटी, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत सोच समझ करके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने करके आपने जो है कोई नोटिफिकेशन निकाला, अब तुरंत आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। हालांकि जो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो कभी भी जब चाहे कुछ भी कर सकता है, बट उस चीज को फिर इंप्लीमेंट करवाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो लोग चेंज करते ही नहीं है, तो चूंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो एज द कम्युनिकेशन फॉलो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे चूंकि यू नो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है, इसी कारण से इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है, राइट। लैक ऑफ पर्सनल टच, यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल टच होता है। मैनी मैटर्स आर एमिकेबली सेटल्ड जस्ट ड्यू टू पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशंस, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सिर्फ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होने के कारण भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पर्सनल टच बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं आप बोल सकते हो, जिसके कारण से जो चीजें हैं वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती, इसीलिए। बट देर इज नो स्कोप ऑफ पर्सनल टच इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। बहुत सारे मैटर्स, मैनी मैटर्स आर एमिकेबली सेटल्ड, है ना, इसको बहुत ही आसानी से सेटल किया जा सकता है जस्ट ड्यू टू पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन। क्योंकि आपके बीच में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने यू नो जो भी मैटर्स है उसको बहुत आसानी से आप सुलझा सकते हो। लेकिन इस केस में चूंकि पर्सनल टच नहीं होता फॉर्मल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे किसी भी तरह का वो स्कोप यहाँ पे नहीं बनता है। छठा है एस्केपिज्म, है ना। सो इन केस ऑफ एन अनप्लीजिंग डिसीजन और एम्बिग्युइटी इन द रोल्स, पीपल श्रिंक, पीपल शर्क देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू स्केप। अब चूंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन पास किया गया, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन करके जो चीजें आप तक कम्युनिकेट की गई हैं, हो सकता है कि वो डिसीजन आपके लिए अनप्लीजेंट हो और रूल्स में एम्बिग्युइटी हो, मतलब कुछ रूल्स कुछ कहते हैं, कुछ रूल्स कुछ कहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई समानता ना हो दोनों जो भी नोटिफिकेशन पास हुए हैं, और आप एक तरीके से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हो, तो उस केस में जो लोग होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है, है ना। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से चीज से जो है निकला जा सके, राइट, एंड दे ट्राई टू एस्केप। तो ये भी एक वन ऑफ द यू नो डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।